हबू का किचन में आज हम बनाएंगे सैंडविच पिज्जा। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनते हैं, तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको सैंडविच पिज्जा की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सैंडविच पिज्जा बनाने के लिए पिज्जा बेस हम घर पर ही रेडी करेंगे। अगर आप चाहे तो रेडीमेड पिज्जा बेस लेकर भी ये रेसिपी बना सकते हैं। एक बाउल में 2 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच इंस्टेंट यीस्ट पाउडर ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हल्का गर्म पानी ऐड करके इसका सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। आटा गूंद लेने के बाद इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे ढककर 2 घंटे के लिए राइज होने रखेंगे। सैंडविच पिज्जा बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट करते हैं। 300 ग्राम बोनलेस चिकन और चिकन की इस तरह से छोटी टुकड़ियां कर ली है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटा चम्मच लहसुन पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच अदरक पाउडर यानी कि सूंठ पाउडर। अगर अदरक लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर ले। 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच मरी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच तंदूरी मसाला, अगर तंदूरी मसाला नहीं है तो टिक्का मसाला ऐड कर ले, 2 बड़े चम्मच दही और 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। सारे मसाले को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट करने रखेंगे। चिकन को 1/2 घंटा मैरिनेट करने के बाद इसे कुक करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसे कुक करेंगे। इसमें ऑयल ऐड नहीं करना है, चिकन मैरिनेट के वक्त हमने इसमें ऑयल ऐड किया था। अब चिकन को हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे और इसका कलर चेंज कर लेंगे। 2 मिनट भून लेने के बाद इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। चिकन कुक हो गया है, हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज का कैप्सिकम ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसे ड्राई होने तक भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर 3 से 5 मिनट के लिए। चिकन अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। आटा अच्छी तरह से राइज हो गया है, अब इसमें 1 छोटा चम्मच जितना ऑयल ऐड करके इसे 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंदेंगे। आटे को 2 मिनट अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद इसके इस तरह से 4 हिस्से करेंगे। अब आटे का 1 हिस्सा लेकर इसका पेड़ा बनाएंगे और इसे बेल लेंगे। बेल लेने के बाद इसे कुक करेंगे। फ्राई पैन को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था, अब इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। यहाँ पर हम पिज्जा बेस बना रहे हैं, तो पिज्जा बेस को एक साइड पूरी तरह से कुक करेंगे और दूसरी साइड हाफ कुक करेंगे।
इस तरह से पिज्ज़ा बेस को हमने एक साइड हाफ कुक किया है और दूसरी साइड पूरी तरह से कुक किया है। अब हम इसे रिमूव करते हैं और दूसरा पिज्ज़ा बेस रेडी करते हैं। अब दूसरे पिज्ज़ा बेस को हम दोनों साइड पूरी तरह से कुक करेंगे। ये देखिए, दूसरे पिज्ज़ा बेस को हमने दोनों साइड पूरी तरह से कुक किया है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और जिस साइड से पिज्ज़ा बेस को हमने हाफ कुक किया था वो बेस हम नीचे रखेंगे। अब इस पर आधा छोटा चम्मच मायोनीज ऐड करेंगे। अब इस पर चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। चिली गार्लिक सॉस की जगह आप पिज्ज़ा सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अब इस पर टमाटो केचप ऐड करेंगे। अब इस पर चिकन की बनाई हुई फिलिंग ऐड करेंगे। थोड़ा सा चीज ऐड करेंगे। अब इस पर मोज़रेला चीज ऐड करेंगे। और थोड़ा सा ओरेगानो स्प्रिंकल करेंगे। अब इस पर दूसरा पिज्जा बेस रखेंगे। थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अब इस पर चीज, मोज़रेला चीज और थोड़ा सा ओरेगानो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। अब इस पर चिली गार्लिक सॉस, टमाटो केचप ऐड करके इसे लो फ्लेम पर 3 से 5 मिनट के लिए चीज मेल्ट हो जाने तक कुक करेंगे। अगर आपको सैंडविच पिज्ज़ा की रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।